नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंचन टीवी के हेड ऑफिस जो कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर नंबर 5 में स्थित है। ऑफिस के बिल्कुल सामने हूँ, आपको दिखा दूँ कि 1392 ये हमारा जो ऑफिस है उसका नंबर है। सेक्टर 5 में ऑफिस पड़ता है। अब आपको ऑफिस की जो है सैर करवाने वाला हूँ। पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी ऑफिस को, स्टूडियो को आप अंदर से देखेंगे, कैसे न्यूज़ चैनल काम करते हैं, किस तरीके से डेस्क पे काम होता है, पूरा आपको दिखाएंगे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और जी यही वो दरवाज़ा है जहाँ से डेली सुबह एंट्री करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊँगा हमारे डेस्क पर जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं। और रूबी मैम बैठे हुए हैं जो पूरा दिन काम करते हैं, इन्हीं की बदौलत जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचती हैं। मैम कैसे हो? बढ़िया चल रहा है काम? बहुत बढ़िया। बना रहे हो कि नहीं फिर न्यूज़? जी, तो ये हमारा पूरा जो है डेस्क है जहाँ से जो खबरें हैं हमारे तक पहुँचती हैं और एडिटिंग करते हैं। ये अलमीरा आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर जो है पूरा हमारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। उसी के साथ देख पा रहे हैं आप कि ये पूरा जो है हमारा डेस्क है, यहीं से पूरी जो न्यूज़ हैं वो तैयार होती हैं और आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो अब आपको लेकर चलता हूँ वेटिंग हॉल में, क्योंकि आप कभी भी आएंगे तो आपको यही इसी सोफे के ऊपर आपको बिठाया जाएगा, इसी काउच के ऊपर आप बैठ के जो है इंतज़ार करेंगे। देख लीजिए, उसके साथ मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये हमारा एक जो है अभी तैयार हो रहा है, एक तरीके से कह लीजिए स्पेयर, यानी आप कह सकते हैं कि ये जगह है। और मेरे को ये बहुत पसंद थी, यानी कि यहाँ पे राउंड ग्लास टेबल रखा हुआ था और ये चेयर्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ मैं बैठ कर अच्छे से स्क्रिप्टिंग का काम किया करता था, लेकिन हमारे बॉस है ना जो, वो शायद थोड़ा सा मेरी कम्फर्ट को देख के शायद वो जो है खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो जो राउंड वाला टेबल है वो उठा के ऊपर स्टूडियो में पहुंचा दिया है। लेकिन मैंने उनसे बोला है कि मेरे लिए एक और लेके आएँ, तो जल्दी ही आ भी जाएगा। और अब मैं आपको हमारे ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है वो दिखाने वाला हूँ। ये है हमारे बॉस का ऑफिस। जी हाँ, देखिए ये हमारे बॉस हैं, यशपाल सर। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हो सर? देखिए आपको सर कह रहे हैं ना काम करो, और आपको दिखाता हूँ मैं भी एक साथ एक चीज। ये देखिए, सामने LED लगी हुई है सर, बैठ के आराम से पूरा दिन न्यूज देख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स। और हम जैसे, हमें बाहर, मतलब हमारे लिए नहीं सर, नहीं सर, हमारे लिए कब लगवा रहे हो LED? देखिए आप लोग काम करो, ये देखने दिखाने का काम मुझको छोड़ दो। देख लीजिए, बॉस हो तो ऐसे भैया काम करो, लेकिन आराम मत करो, फन मत करो। नहीं सर, मैं आपको तंग करने वाला हूँ आज। देखिए ये आप देख सकते हैं, हमारे सर की मेहनत है, जो सर सालों से काम कर रहे हैं वो मेहनत, कहते हैं ना कि जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आती है। सर बहुत खूब, बड़े अच्छी लग रही है ट्रॉफीज जी। और देखिए ये मिरर है जिसमें मैं ना अपने आपको सुबह आता हूँ ना, तो जब सर के पास, तो पहले मैं अपने आपको चेकआउट करता हूँ कि भाई बाल बाल सेट है नहीं है, क्योंकि हेलमेट लगा के आना होता है। तो या, और उसके बाद ये है हमारा किचन जहाँ से चाय वाय जो है हमारी बनती है। और किचन की हमारी जो मालकिन है वो कहाँ है? ये हमारी रजनी दीदी हैं जो हमारे लिए पूरा दिन चाय वाय का इंतज़ाम करती हैं। तो रजनी जी कब पिला रही हैं चाय? अभी पी के हटे हैं, मतलब ये दिन में भाई गिनी चुनी पिलाओगे क्या? अगर मेरे को दोबारा पीनी हो तो हाँ, देखा ये भाई ख्याल रखती है हमारा बिल्कुल ऐसे घर की तरह। तो इसके बाद मैं आपको ऊपर भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है वो ऊपर भी है, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं आपको स्टूडियोज दिखाता हूँ जहाँ से बेसिकली हमारे जो शूट हैं, जो प्रोग्राम्स आप देखते हो, हरियाणा टॉप 10 आप देखते हो मेरे साथ, वो शूट होता है। जी हाँ, ये नीचे, यहाँ से हम एंटर होते हैं हमारे स्टूडियोज में। सो दिस इज आवर स्टूडियो। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन स्क्रीन क्या है, सो दिस इज़ कॉल्ड क्रोमा। और जो शाम को आप हरियाणा टॉप 10 देखते हो, यहीं इसी जगह शूट होता है। और उसके बाद जो आप तक खबरें हैं वो हम पहुंचाते हैं। उसके साथ देख लीजिए, इंटरव्यूज़ के लिए सेक्शन बनाया हुआ है जहां इंटरव्यूज़ होते हैं गेस्ट के लिए। सो दिस इज़ आवर स्टूडियो, दिस इज़ इंटरव्यू सेक्शन, और ये है हमारा ग्रीन क्रोमा। जी मतलब इसको बेसिकली ना, आई है ना ऑलवेज कॉल इट अ मैजिक स्क्रीन, बिकॉज यहाँ से वीडियो शूट होती हैं, सब कुछ ग्रीन होता है, उसके बाद
जो हमारे एडिटर हैं वो चलाते हैं अपना जादू, और जादू के बाद आप तक जो वीडियो है वो हमारी मनचाही जो बैकग्राउंड होता है उसके साथ पहुंचा देते हैं। उसके साथ में मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा जो है रूम है, तो इस रूम के अंदर अभी जो है काम वाम चल रहा है, और इसे हम साउंड प्रूफ बनाने के का जो अभी काम है वो चल रहा है, ताकि जो वॉइस ओवर्स हैं वो आप तक बिना किसी जो है डिस्टर्बेंस के पहुंच सकें। तो इसमें भी अभी काम चल रहा है, अभी इसको साउंड प्रूफ किया जा रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है, सेम जैसे नीचे था वैसे ही यहाँ भी एक अलमीरा है इक्विपमेंट्स रखने के लिए, और उसके साथ मैं आपको ना एक जगह है जो दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा कि कहीं बॉस भाई इनको डांटे ना, लेकिन फिर भी चलो दिखा देता हूँ। ये हमारे बॉस का बेडरूम है। यस, हमारा जो ऑफिस है थोड़ा सा अलग है, देखिए यहाँ सब कुछ पूरी व्यवस्था है भाई, बॉस का बेडरूम। सो दिस इज द बेडरूम। सो ये हमारा पूरा ऑफिस था। ये जो टूर मैंने आपको दिया, ये है कंचन टीवी कुरुक्षेत्र के सेक्टर नंबर 5 से, और देखिए इसके साथ में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि मेरे को बहुत पसंद है। ये है बालकनी, जहाँ पे मैं स्टूडियो में जब भी आता हूँ ना तो मैं ज़रूर जाता हूँ बाहर, क्योंकि मज़ा आता है बाहर का व्यू देखने में। तो देख लीजिए, ये पूरा लोकेशन है जो हमारा ऑफिस है सेक्टर 5 में, यू कैन सी। यहीं से हम लोगों ने एंट्री की थी और अब हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो कंचन टीवी का ये ऑफिस था जो मैंने आपको दिखाया, कोई दिखाता नहीं, लेकिन फिर भी आई वॉज लाइक ठीक है यार, अपने दर्शकों के लिए इतना कर ही सकते हैं। सो जुड़े रहिए आप कंचन टीवी के साथ, फेसबुक पेज पर हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।